सुशील सिंह ने कन्हैया के साथ बहुत बुरा किया दीदी। मत सुनाओ मैं हमारी कहानी नरगिनी, बहुत नहीं सुन सकते। नहीं सुनाएंगे दीदी, लेकिन आपको कन्हैया के दर्द को महसूस करना ही पड़ेगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऐसा ना कर कर बहुत बड़ी गलती कर रही? तुम्हारे किए का बही खाता कौन खोलेगा? हम तो अकेले रह गए ना अपनी दुनिया में, अपने अकेलेपन में, यही हमारा बही खाता है। लेकिन जलना सबको पड़ेगा, सबको। हमारी दुनिया में वो सब होगा जो हकीकत में हुआ था। लेकिन नतीजा हम बदलेंगे। गुंजन दीदी, आपको आपका काना मिलेगा, ज्योति को उसका राजकुमार मिलेगा, और सुनेना दीदी को उसको प्यार के मायने समझ में आएंगे। आप देखिएगा, बाबूजी की भी सोच बदलेगी और मां की दुआओं का भी असर दिखेगा। और सुशील सिंह नामक शैतान को ना उसकी खेह की सजा जरूर मिलेगी। और मनी चाचा, उन्हें भी अपनी करनी भुगतनी पड़ेगी। सबका हिसाब होगा दीदी, सबका हिसाब होगा। हम करेंगे ना सबका हिसाब, सब करेंगे दीदी। दीदी अब आप क्या करोगी? तारिकिनी दीदी तो अपनी जिंदगी में वो सब होने देगी जो कभी हुआ था। वो सारी तकलीफें आपको जीनी ही पड़ेगी दीदी। हाँ काश हमें काना से प्यार हुआ ही नहीं होता। आपको काना से प्यार कैसे हुआ? मतलब आपने काना में ऐसा क्या देखा कि जो आपको भी प्यार हो गया और सुनेना दीदी को भी प्यार हो गया? काना आया क्योंकि उसका आना निश्चित था, लेकिन उसका जाना हमारे किए का परिणाम था। जानते हो, उसका असली नाम तो कालू था, लेकिन पूरा गांव उसे कालू कन्हैया बुलाता था। क्योंकि वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। उन्हीं दिनों सुशील सिंह हर रोज हमारे घर आकर हमको डराता था, हमको धमकाता था। तुम फिर आ गए? तुम कमाल है। नहीं, पहले की मुलाकातों में आपने हमें आप कहा था, अचानक तुम, वो भी इतना रूखा सा।
तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी खुददारी नहीं है क्या? देखिए, हम चाहें तो इस वक्त आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। घर में कोई नहीं है, चाहे ना तो आपको भी यहां से उठा सकते हैं। और हम हर रोज अपनी जान देने की कोशिश करते थे। हाथ बार पकड़ लिया है तो छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, आज रात को जब खाना खाने आएंगे तो आप ही से खाना परोसवाएंगे। उसको हम नहीं मिलेंगे, हमारी लाश मिलेगी। उसी दौरान मणि चाचा भी टाटा कंपनी से अपना सारा बिजनेस समेट कर यहां आ गए और हमारे घर में सेंध लगाने की सोचने लगे। उनको अपना फायदा दिखा तो वो सुशील सिंह के साथ हो गए और चक्रव्यूह रचने की तैयारी शुरू कर दी। और उसी चक्रव्यूह का पहला घेरा बना हमारा काना। अरे हम तरेगनी के चाचा हैं, वो भी सगी। आप अगर सगे का फर्ज निभाने लगे ना तो जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, और तुम्हें पता है ना कि सारे सारे काम धंधे चौपट हो चुके हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ना। ठीक है, लेकिन क्या प्लान किया आपने? अरे वो सुशील सिंह है ना, हाँ, वो गुंजन से ब्याह करना चाहता है। बड़े भैया ने भी हरी झंडी दे दी है। अच्छा, पर गुंजन ना खड़े खड़े बेइज्जती कर देती है। अरे तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अरे करेंगे क्या, हाँ, वो सुशील सिंह ना पगला है, वो घूम रहा था, कह रहा था गुंजन को उठा लेंगे। फिर हमने समझाया, हमने कहा देखो, हम गुंजन के चाचा, हम तुम्हारा ब्याह कराएंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। अच्छा, हाँ, और राजी खुशी से। उसके बदले हमने उससे 5 लाख रुपए ले लिए। क्या बात कर रहे हो, 5 लाख ले लिए? अरे हाँ, 5 लाख। अरे हाँ, अरे वो पुलिया का काम लिया ना प्रखंड से, तो करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। ठीक है, लेकिन फिर आगे का सोचे हो? तो सोचना का है, एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे और तरीके घर को घुसा देंगे, जो गुंजन की रखवाली भी करेगा और प्यारी प्यारी बातें करके सुशील बाबू के प्रति प्यार भी जगाएगा। और हाँ, सुशील बाबू को भी कह दिए कि देखो 10 दिन के अंदर कुछ पुण्य धर्म करो और कुछ ऐसा करो कि गांव वाले आपका गुण गाएं। हाँ हाँ, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? बोल बम लेके जा रहे हैं सेवा सत्कार के लिए, बड़े बुजुर्गों के साथ में। नहीं वो तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन गुंजन के घर किसे भेज रहे हैं गुंजन पे नजर रखने के लिए? देखो, गुंजन के दिल में सुशील सिंह का प्यार जगाना बहुत कठिन काम है, और इस काम के लिए अगर सही पात्र नहीं चुना मणि भाई, तो समझ लेना लेने के देने पड़ जाएंगे। अब उन दोनों बहनों को तो जानते ही आप, तरेगनी और गुंजन को, अगर उन्हें इस बात की भनक लग गई ना तो समझो अपनी खटिया खड़ी, बिस्तरा गोल, अरे मार मार के भुत्ता बना देंगे, समझे? यह बात सुन रहे हो? बहुत सुरीली बांसुरी बजाता कौन है? कालू। बहुत सीधा साधा है, कॉलेज जाता है पढ़ने के लिए, और इसकी 2 बहनें हैं शादी योग्य, और लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। गांव में अब हर कोई इसे कालू से कालू कन्हैया कहने लगा है।
अगर इसे गुंजन की रखवाली के लिए रख दिया ना तो समझो सील जी का काम हो गया। हम तो कहते हैं 10 दिन का काम 5 ही दिन में कर देगा। तो चलो इसे बात करते हैं और इसी को प्रेम दूत बना के भेजते हैं। चलो एक मिनट मनी बाबू, एक बात पक्का कर लीजिए। क्या? जो कहे कि आपको 5 लाख मिले हैं। हाँ तो हमारा भी देख लीजिए कि साल दो साल बस पान का खर्च चलता रहे, बाकी माहौल बना रहेगा अपना। ठीक है तुम्हें भी कर देंगे, पहले सुशील बाबू और गुंजन का ब्याह तो हो जाने दो, तुम्हें भी खुश कर देंगे। ठीक है पक्का? पक्का, अभी चलें। ठीक है। मणि चाचा और सुशील सिंह ने कान्हा को बहुत डराया, उसको धमकाया, उसको कहा कि वो हमारे घर आए हम पर नजर रखने के लिए, उनका प्रेम दूत बन जाए, लेकिन कान्हा ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। फिर कन्हैया हमारे घर कैसे आए दीदी, वो आपसे कैसे मिले? उसको मजबूरन आना पड़ा था, सुशील सिंह ने मजबूर किया उसे। एक रात सुशील सिंह ने उसकी दोनों बहनों को अगवा कर लिया। बता, बता हमारी बहन का है। अबे कृष्ण मुरारी अपनी औकात में रह, अगर अपनी बहनें चाहिए ना तो सुशील बाबू जो कहते हैं वो कर, वरना पूरी जिंदगी अपनी बहनों को ढूंढेगा ना तो भी नहीं ढूंढ पाएगा, समझा? और इसी शर्त पर उनको सही सलामत वापस किया कि वो उनका काम कर दे। और फिर क्या, फिर उसे मजबूरन हमारे घर आना पड़ा। कौन हो तुम और हमारे घर में कैसे पहुंचे? हम कालू, कालू कन्हैया, सुशील सिंह ने भेजा है हमें। खैर छोड़ो इन बातों को, हमें लगता है कि हम लोगों को इस वक्त तरेगिनी के पास होना चाहिए, वो इस वक्त बहुत परेशान है और उसे हमारी जरूरत है। पीछे पलट के देखिए दीदी,
रोशनी को क्यों शापित करना चाहती हैं आप? जिस दिए से अंधेरा दूर होता है उसी दिए से एक बार फिर आप आग लगाने की सोच रही हैं? क्या चल रहा है आपके मन में? और महाआरती को आधे अधूरे में छोड़ के कहाँ चली गई थी आप? तो नहीं बताएंगी आप? कुछ पूछ रहे हैं आपसे? जो पूछ रहे हैं ना उसका जवाब दे के जाइए। क्या चल रहा है आपके मन में? विध्वंस। इसका मतलब समझती हो? जो खेल तुमने रचा हुआ है उसका अंत हम करेंगे। हम तो डर गए। सच में दीदी हम तो डर गए। हम डर गए ना? देखे ना हमारी आंखों में, देखे 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 आपको डर दिखाई देगा। पीछे पलट के देखिए दीदी। डराने की कोशिश भी मत कीजिएगा दीदी, ये हमारी दुनिया है, यहां हम जो सोचते हैं ना वही होता है। हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, आपके भीतर भी हम हैं और आपके बाहर भी हम। आप हमारी गिरफ्त में हैं दीदी और हमने तय कर लिया है हम आपको बहुत तड़पाएंगे। और आंखों में ये जो गुस्सा है ना आपके और दिल में जलन और ईर्ष्या, यही आपकी सबसे बड़ी सजा है, सबसे बड़ी। दीदी आप बहुत बदकिस्मत हैं। जिस दिल में प्यार बसना चाहिए उसी दिल में नफरत पलता है, जिस आंखों में सपने होने चाहिए उसी आंखों में घिनौने इरादे चमकते हैं, जिन होठों पे बहनों के लिए आशीर्वाद होना चाहिए उसी होठों से आप विध्वंस का उच्चारण करती हैं। दीदी आप बहुत बदकिस्मत हैं। हमारी बदकिस्मती के लिए तुम जिम्मेदार हो और हमारे लिए और सबके लिए एक दिन तुम श्रापित आत्मा बन जाओगी। तुम अपनी दुनिया में अंजाम को बदलना चाहती हो ना?
लेकिन हमें लगता है कि तुम्हारा परिणाम बहुत ही भयानक होगा सबके लिए। दीदी आप बूंद बूंद के लिए तरसेगी, देख लीजिएगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा, कान्हा आपको कभी नहीं मिलेगा, वो हमारे पास है, आपको कभी नहीं मिलेगा वो। हमें लगता है कि तुम्हारा परिणाम बहुत ही भयानक होगा सबके लिए। अच्छा तो आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम ऐसा करेंगे, तुमसे कराएंगे। अपने आधे अधूरे प्यार का दर्द तो हम जी ही चुके हैं, हम तो मरे हुए हैं ना, और जब हम जिंदा थे तो भी जीते जी मरे हुए थे और आज भी मरे हुए हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है तुम हमें जितने बार मार लो, लेकिन तुम तो जिंदा हो ना, तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे हम। कालू आ गया। और अब वो हमारी ताकत बन गया है। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगी आप। आप जैसे स्वार्थी लोग ना मृत कृष्णा की जिंदगी जीते, झिलमिलाते तो नदियों की तरह लेकिन होते तपते रेगिस्तान है। और आप भी तपते रेगिस्तानी हैं। दीदी आप बूंद बूंद के लिए तरसेगी, देख लीजिएगा, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आपको पता है काना बहुत सुकून में, उसे भी अपना आधा अधूरा प्यार मिला था गुंजन दीदी का, लेकिन उसने अपने हिस्से का प्यार बहुत शिद्दत से जिया। उसने अपना प्यार पाने के लिए और प्यार जताने के लिए आपकी तरह कोई चालबाजी नहीं की। देखिएगा दीदी, काना आपको कभी नहीं मिलेगा, वो हमारे पास है, आपको कभी नहीं मिलेगा वो। का फलसफा बदल देंगे, हम वो करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकती। जिस अंजाम को हम रोकना चाहते थे, सुनैना दीदी ने उसे ही अपना मकसद बना लिया। कान्हा का प्यार अब उनके लिए बद्दुआ बनने वाला है, और उस बद्दुआ के असर से सब नरक हो जाएगा। हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे,